Hey guys, welcome back. तो आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ हमारे फायर रेड ओस्कर फिश का, जिसको रखा हुआ है हमने अपने कोई फिश पॉन्ड के अंदर। एंड उसका अपडेट मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो काफी जल्दी हमारे फ्रेंड के पास जाने वाले हैं। तो मैं इसको सेल कर चुका हूँ, तो मैं इसको क्यों सेल कर रहा हूँ वो भी मैं आपको रीजन आगे चल के बताने वाला हूँ। तो आज आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। एंड अगर आप मेरी वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब अपने जरूर से करना है। तो फर्स्ट आप हमारे कोई फिश पॉन्ड को देख सकते हो, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। कल मैंने आपको इसका अपडेट दिया हुआ था, तो आज मैं यहाँ पे स्पेशली लाया हूँ आपको सिर्फ एंड सिर्फ हमारे फायर रेड ओस्कर का अपडेट देने के लिए। तो चलिए जल्दी से मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि एक्चुअली हमारा फायर रेड ओस्कर फिश है कहाँ पे। सो फर्स्ट आप यहाँ पे खुद भी नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे दो सिकलेट फिश रहते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है, एक हमारी गोल्डन सेब्रम की फीमेल फिश जो कि यहाँ पे रहती है काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से, एंड ये हमारे किसी भी फिश को ज़्यादा इरिटेट नहीं करती है, काफ़ी जिल इनके साथ रहती है। एंड आप देख भी सकते हो इन्हीं के साथ अभी घूम भी रही है, ये देख सकते हो सामने यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी इनके साथ एडजस्ट हो चुकी है। बट जो हमारा फायर रेड ओस्कर फिश है वो हमारे कोई फिश के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया, देख सकते हो। ये छोटा सा है फिर भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, ये देखिए अभी ये देख सकते हो भाई पूरा का पूरा अटैक हमारे फिशेस पे करने का ट्राई कर रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा फिशेस को हमारे ये हार्म कर चुका है हमारा छोटा सा ये ओस्कर फिश, तो जिस वजह से भाई लोग हम इसको दे रहे हैं हमारे फ्रेंड को। तो मैं इसको बिल्कुल फ्री में ये सेल कर रहा हूँ, वैसे इसको रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। एंड हमारा मोस्टर टैंक में अगर मैं इसको रख दूँगा तो हमारा जाइंट गुरामी भाई इसको पूरी तरह से दोबारा से मार देगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली हमारा मोस्टर टैंक भी। तो ये रहा भाई हमारा मोस्टर टैंक, एंड यहाँ पे हमारे छोटे ओस्कर फिश भी रहते हैं। बट उसके साथ हमारे जाइंट गुरामी का ये सीन हुआ था कि वो टेरिटोरियल हो चला था, उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे जाइंट गुरामी को डराना शुरू कर दिया। एंड आप इसकी टेल भी देख सकते हो, उसने थोड़ा सा इसको बाइट भी किया है। बट हमारा जाइंट गुरामी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फिश है एंड सारा का सारा टैंक भाई इसी के अंदर है, तो ये बिल्कुल किसी का एग्रेशन नहीं देख सकता है, तो इसने उसको काफ़ी ज़्यादा बीट किया है। एंड ये वाला हमारा उसका फिश काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, तो ये हमारे सभी फिशेज़ के साथ काफ़ी ईजिली एडजस्ट हो चुका है। एंड ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर रहा है आप देख सकते हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हाई ब्रीड में है, जिसका आप इसका कलर देख के पता लगा सकते हो। ये अभी इतना स्मॉल साइज़ में फिश है बट इसका कलर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड साथ में हमें भाई ने कमेंट किया था अपने फ्लावर हॉर्न फिश के लिए, शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न के लिए, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। उस फ्लावर हॉर्न के लिए आपको ज़्यादा बड़ा टैंक नहीं चाहिए होता है, आप 2 फीट बाय 1 फीट के टैंक पे भी उसको काफ़ी इजीली एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हमें भाई ने कमेंट किया था, तो आप भी उसको रख सकते हो अपने फ्लावर हॉर्न को, शॉर्ट बॉडी काफ़ी इजीली रह सकता है। एंड उसके लिए टैंक मेट्स भी आप रख सकते हो, बट थोड़ा सा एग्रेसिव आपको टैंक मेट्स उसके साथ रखने पड़ेंगे ताकि आपका शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न फिश जो है वो किसी पे अटैक ना करे। एंड हमारा भी फ्लावर हॉर्न है बट हमने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया, आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे उसके लिए बट हमने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया। एंड इसी के साथ भाई लोग आपको हम अपने गप्पीज का भी अपडेट देने वाले हैं। तो इस तरफ आ चुके हैं हमारे गप्पीज, तो इनको मैं कर रहा हूँ एक्चुअली वोटर चेंज किया था मैंने इनका, तो अब इनको यहाँ पे करते हैं ऐड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा मौली फिश का फ्राई एंड हमारा गप्पी फिश का पेयर, तो इसको दोबारा से क्लीन करना पड़ा एक्चुअली। मैंने यहाँ पे कोई भी इनको एक्स्ट्रा एयर पंप वगैरह नहीं दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जंप करते हैं फिर, तो इनके लिए भाई कोई ऑक्सीजन पंप की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड ये हमारा छोटा सा मौली फिश का फ्राई एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे गप्पी फिश का मेल, एंड दूसरी फीमेल जो है हमारी वो एक ही पेयर है यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी जल्दी अब दोबारा से बर्थ करने वाली है। फर्स्ट टाइम इसने भी इसको बर्थ किया था, तो लगभग ये खुद ही खा चुकी थी अपने सभी बेबीज को। एंड जो बचे हुए थे तो उसने इसको काफ़ी ज़्यादा मारा हुआ था, तो वो लगभग सभी के सभी फ्राइज इसके मर चुके हैं। तो इस बार हम काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो इसका बेली साइज़ भी अब धीरे धीरे दोबारा बड़ा होना शुरू हो चुका है। एंड उसी के साथ जो हमारा 2.5 फीट वाला टैंक है उसका भी आपको अपडेट दे दूँ, तो इसके लिए भी भाई लोग आज हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर चुके हैं, वाटर मैंने अभी इतना ही रखा हुआ है, तो इसको वाटर से फिलअप कर देंगे एंड हमारे इन फिश को बाहर निकाल देंगे। एंड दूसरे फिश जो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं उसका अपडेट मैं आपको काफ़ी जल्दी दे दूंगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर से बताना है। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।